YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम सीखेंगे आप कैसे प्रॉपर रूप से, कैसे प्रोफेशनल वे में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो हम बिल्कुल इजी वे में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखेंगे, जिसे आप आसानी से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लाइव मार्केट में ड्रॉ कर सकते हैं। जिससे कि आप जैसे बिगनर्स लोग आते हैं, जब वो टेक्निकल एनालिसिस को शुरू में सीखते हैं तो कुछ इस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं, तो इस तरह से आपका चार्ट जो है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं दिख रहा। आप किस लेवल के लिए काम करेंगे, किस लेवल को आप अवॉइड करेंगे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल जो अनप्रोफेशनल वे है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का, इस तरह से चार्ट को गंदा कभी भी नहीं करना है। मात्र आपको इस पे दो तीन लेवल ड्रॉ करने हैं जो कि इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो जैसे हमारा प्राइस यहाँ पर है, तो हम अपने इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे, बहुत ही आसान वे में हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस के नीचे देखिए जो इस स्विंग का जो लो है वो सपोर्ट होगा, इसका उसका ये इमीडिएट सपोर्ट होगा। ये आवरली चार्ट मैंने निफ्टी का लिया है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया। एकदम आसान वे में नीचे आना है, जो स्विंग का लो है जहां से कि ये स्विंग स्टार्ट हुआ है, वो स्विंग का लो इसका इमीडिएट सपोर्ट रीजन हो गया। अब इसके ऊपर हम चलेंगे, इसके ऊपर हम रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। जहां से सप्लाई क्रिएट हो रहा होगा वो इसका रेसिस्टेंस जोन होगा। तो हम यहाँ पर जूम आउट कर लेते हैं चार्ट को, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम पीछे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि इसके हाई पे चलना है, इसके ऊपर चलना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ से देखिए शार्प रूप से यहाँ पर प्राइस फॉल हुआ है, तो ये सप्लाई जोन है, तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हम यहाँ पर रेसिस्टेंस के रूप में ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से हम चार्ट को जूम कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से हम प्रॉपर वे में यहाँ पर काम कर पाएंगे। जैसे प्राइस अगले दिन इस हाई को ब्रेक करता है तो ये यहां तक जा सकता है, यहां पर इसे रेसिस्टेंस मिल सकता है। अब यहां पर हमें देखना होगा प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। अगर प्राइस यहां से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेके थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट बनाता है, छोटा सा एक रेंज बनाने के बाद प्राइस जो है यहां पर अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो ये प्रॉपर रूप से एक रेसिस्टेंस होगा। अगर इसको ऊपर ब्रेक कर देता है तो ये रेसिस्टेंस हमारा ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर यहाँ पहुंचने के बाद किस तरह से होता है वो बताएगा कि ये रेसिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इस तरह से चार्ट को नेट और क्लीन रखना है, तब फिर आप मार्केट में जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। अब देखिए फिर इसके ऊपर का और अगर आपको रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है तो यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, यहाँ से शॉर्ट रूप से प्राइस फॉल किया था, तो ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया आपका। उसी तरह से सपोर्ट दूसरा अगर ड्रॉ करना है तो इसके नीचे आएंगे, यहाँ नीचे से जो डिमांड क्रिएट हुआ था वो ये रीजन है जहां से इसमें डिमांड क्रिएट हुआ था। तो ये इस तरह से आप प्रॉपर वे में जो है अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में ड्रॉ करते हैं, तो ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, तो यहाँ पर देखिए इसके जस्ट नीचे चलना है, इस स्विंग का जो लो है ये सपोर्ट होगा। तो देखिए ये सपोर्ट हो गया, आप इसके ऊपर चलेंगे, हमें रेसिस्टेंस खोजना है कहाँ से सप्लाई क्रिएट हुआ। देखिए यहीं से सप्लाई क्रिएट हुआ, तो ये जो रीजन हो गया हमारा ये हो गया रेसिस्टेंस रीजन बैंक निफ्टी का। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रीजन है और रेसिस्टेंस रीजन है, तो आपको इस लेवल पे अभी काम करना है। जैसे प्राइस अगले दिन इस हाई को ब्रेक करेगा तो वो इस लेवल तक आएगा, और इस लेवल पे फिर हमें देखना है किस तरह से प्राइस बिहेव करता है। अगर यहाँ से प्राइस पहुंचने के बाद एक छोटा सा रेंज बनाता है और इस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो फिर हमें अगले रेसिस्टेंस को देखना है कहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट है। अगर इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये रेसिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग हो, अगर छोटे से रेंज बनाने के बाद उसको नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये रेसिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग होगा, और रेंज को नीचे ब्रेक करने के बाद आप वहां पर ट्रेड को ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इंडेक्स में बात किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप किस तरह सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, उस तरह से स्टॉक्स में आते हैं। देखिए ये एशियन पेंट का स्टॉक्स है, प्राइस अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसके जस्ट नीचे चलेंगे, इस स्विंग का जो लो होगा वो स्विंग का लो हमारा काम करेगा सपोर्ट का। तो वो स्विंग का लो देख सकते हैं, ये यहाँ से ये स्विंग आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से आया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट क्रिएट हुआ है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया।
अब इसके ऊपर चलेंगे तो हम रेसिस्टेंस को खोजेंगे जहां से सप्लाई क्रिएट हुआ है। तो देखिए यहां पर सप्लाई क्रिएट हुआ, यहीं से प्राइस शार्प रूप से फॉल हुआ है, तो ये हो गया इसका रेसिस्टेंस। तो इस तरह से प्रॉपर रूप से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ पर पहुंचेगा तो किस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पर प्राइस पहुंचने के बाद अगर इसको क्रॉस कर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, फिर से यहाँ पर ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट होना चाहिए। रिटेस्ट होने के बाद ये काफी प्रॉपर रूप से काम करेगा। यहाँ से प्राइस पहुंचा, इसको ब्रेक किया, फिर से यहाँ आया, इसको रिटेस्ट किया। तो पहले बार रिटेस्ट होने के बाद जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और फिर जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा तो और अपना पिरामिडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर रूप से काम करते हैं। ये जो हाई बनाया इसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया, इस मतलब जो पहले रेसिस्टेंस था अब यहाँ पर पोलरिटी चेंज हो जाएगा। जो सब पहले रेसिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन जाएगा। और यहाँ पर सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बनाता है आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से पिरामिडिंग कर सकते हैं। उस तरह से जैसे प्राइस यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसको ब्रेक करता है सपोर्ट को, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट के बाद जैसे यहाँ पर रेड कैंडल कोई बनाता है तो यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड जो लेंगे तो ये बन जाएगा उसके बाद रेसिस्टेंस। जैसे प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको हम पोलरिटी चेंज कहते हैं, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाएगा। चलिए तो इसी तरह हम दूसरा स्टॉक और देख लेते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो देखिए हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये आवर्ली चार्ट है, आवर्ली चार्ट पर हम कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना काफी आसान है। जो प्राइस है यहाँ से देखना है कि इसका स्विंग का लो कहाँ है। ये जो स्विंग का लो है ये हमारा हो गया सपोर्ट। देखिए बहुत इजीली से यहाँ पर आपने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसी के आसपास यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा यहाँ ब्रेक किया लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, ऊपर चला गया। फिर देखिए यहाँ पर जो प्राइस है इसके ऊपर चलिए तो ये इसका स्विंग कहा है, जहां से यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुआ है, तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। तो इस हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टेंस प्राइस है वो 2110 रुपया से 2115 रुपये के आसपास का ये रेंज है। अब देखिए कभी कभी सवाल आते हैं, बहुत सारे आप ट्रेडर कहेंगे कि जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है एक जोन होता, एक एरिया होता है। तो कभी कभी आप देखेंगे एक लाइन जो होता है वो सपोर्ट रीजन होता है। वास्तव में प्राइस का एक छोटा सा जो रेंज होता है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये हम अगर एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो जोन होगा ये हो जाएगा सपोर्ट जोन। ये इस जोन में कहीं से भी मतलब इस रीजन में कहीं भी प्राइस सपोर्ट ले सकता है। और उसी तरह से यहाँ पर हम एक नेक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ये जो नेक लाइन ऊपर निकला हुआ है तो ये हो गया रेसिस्टेंस जोन। अब इस जोन में कहीं पे भी रेसिस्टेंस ले सकता है प्राइस। तो कुछ इस तरह से प्रॉपर वे में आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब ये रेसिस्टेंस पर प्राइस आएगा तो प्राइस एक्शन किस तरह से यहाँ पर बिहेव करता है उस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब प्राइस यहाँ पर आता है, प्राइस यहाँ पर आया तो छोटा सा एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको फिर से रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट के बाद जैसे प्राइस ऊपर जाने लगेगा तब यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा तो आप अपना क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसके नीचे होगा, जस्ट ये जो रेसिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया, इस सपोर्ट के जस्ट नीचे आपको थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम और डिटेल में सीखेंगे किस तरह से हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पोलरिटी चेंज जो होता है उसको दिखाते हैं कैसे प्रॉपर वे में काम करता है। जैसे कोई प्राइस लेवल पहले सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बन जाता है। अब देखिए जैसे ये लाल पैथ लेव का चार्ट है, जैसे यहाँ से प्राइस गिरा, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मतलब यहाँ पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट रीजन यहाँ पर बनाया था। अब देखिए यहाँ से प्राइस गया, यहीं पर क्या लिया, रेसिस्टेंस फेस किया। पहले ये सपोर्ट था अब ये रेसिस्टेंस बन गया, इसको हम पोलरिटी चेंज कहते हैं। जो पहले सपोर्ट था अब वो रेसिस्टेंस बन गया। उसी तरह से इधर आते हैं तो देखिए यहाँ पर प्राइस कई बार यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, तो ये हमारा सपोर्ट रीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस किया, जस्ट यहीं से देखिए रेसिस्टेंस लिया। पहले यह सपोर्ट था अब ये बन गया रेसिस्टेंस। कोई भी जो प्राइस जोन है, प्राइस लेवल है,
वो सपोर्ट था, ब्रेक होने के बाद वो क्या करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है, इसी को हम पोलरिटी चेंज कहते हैं। इस तरह से प्रॉपर वे में आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जैसे लाल ब्रेथ लेप का ही अगर आप रिसेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ये प्राइस है हमारा, प्राइस के नीचे जाएंगे हम सपोर्ट को ढूंढेंगे, ऊपर जाएंगे रेसिस्टेंस लेवल को ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे नीचे आते हैं प्राइस से, तो ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है, ये यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से भी प्राइस ऊपर गया, यहाँ पाया सपोर्ट लिया, देखिए दो दो बार हो चुका है। फिर इसके हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं, ये लेवल जो है यहाँ से सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, तो ये रेसिस्टेंस रीजन हो गया। आप देखिए जैसे यहाँ पीछे जाइएगा, देखिए यहाँ पहले भी सपोर्ट लिया था, अब ये रेसिस्टेंस बन गया। तो इस तरह से जैसे आप ड्रॉ करते हैं इस तरह से इजी वे से, तो आपको दो तीन लेवल अपने आप उस लेवल पे मिल जाएंगे जहाँ सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन क्रिएट होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान वे में मैंने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया, लेकिन आप जो दो तीन पॉइंट मिलाते हैं वो पॉइंट आपको अपने आप मिल जाएंगे। देखिए एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ बाउंस पे गया था, फिर यहाँ पर आया सपोर्ट लिया था, तो ये देखिए कई सारे पॉइंट अपने आप को आपको मिलते चले जाएंगे। बस इस तरह से आसान वे में जैसे आप ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, पॉइंट्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। तो सप्लाई जोन देखना है, डिमांड जोन देखना है कि स्टॉक का क्या है, वहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आसानी से ड्रॉ करने मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपर वे में ड्रॉ करना सीख गए होंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपर वे में कैसे ट्रेड करना है आगे के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।